शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भिवापुर तहसील के सबसे बड़े ग्राम नान में जिला परिषद नागपुर तथा पंचायत समिति के संयुक्त विद्यमान से नान ग्राम पंचायत के सांस्कृतिक भवन में आज ग्राम स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान में प्रमुखता से जिला परिषद नागपुर के राजेंद्र भुयार, उप मुख्य कार्यपालन पंचायत समिति अधिकारी उपस्थित थे। गांव की हालत स्वच्छता के बारे में दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, इस वजह से नागपुर जिले के ग्राम में अभियान चलाया जा रहा है। इसमें गांव के नागरिकों को स्वच्छता कैसी रखी जानी चाहिए इसकी जानकारी दिलाई गई। साथ ही कोरोना संक्रमण की चिंता जताते हुए गांव में सतर्कता बरतते हुए प्रशासन का सहयोग करने के लिए गांव में रक्तदान शिविर के आयोजन पर जोर लगाया गया। रक्त बैंक में रक्त नहीं होने के कारण मरीज को खून नहीं मिलने से उनकी मौत हो रही है। इस कारण सरकारी रक्तदान शिविर के माध्यम से रक्तदान शिविर चलाया जाना चाहिए। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गांव में गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है, तो नांद गांव में एक गांव एक गणपति स्थापित किया गया है। इस कारण इस गांव का सौभाग्य है कि इतना बड़ा गांव होने पर भी एक गांव एक गणपति की स्थापना की गई है, जिस वजह से बाल गणेश मंडल का विशेष तौर पर अभिवादन किया गया। आज ग्राम पंचायत भवन में ली गई इस प्लास्टिक मुक्त गांव, स्वच्छ गांव एक गणपति और गांव को स्वच्छ बनाने में नागरिक और ग्राम पंचायत साथ ही सदस्यत्व आरोग्य कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गांव को कैसे प्लास्टिक मुक्त कराया जाए इस बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मान्यवरों ने संभाषण से नागरिकों को अवगत कराया। इसमें प्रास्ताविक सुभाष ननावरे ने किया तो आभार प्रदर्शन सरपंच तुलसीदास चुटे ने किया। इस अभियान में प्रमुखता से माणिक हिमानी, गट विकास अधिकारी भीवापुर रोशन कुमार दुबे, सहायक गट विकास अधिकारी प्रभाकर वाग, विस्तार अधिकारी फूल कुमार राठौर, बांधकाम अभियंता राधा रहांगडाले, पानी पुरवठा तज्ञ स्नेहा गजराज, अश्विनी काळे, नंदा नार नवरे, तुलसीदास चुटे, सरपंच भास्कर डेकाटे, दिनेश चाचेरकर, कवड़ू मस्की शोभा चुटे और सभी ग्राम सदस्य, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका और पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया। भीवापुर से इनबीसीएन के लिए राम वाघमारे की रिपोर्ट। गणेशोत्सव दरम्यान जिल्हा परिषदच्या वतीने पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव व्हावा आणि त्याकरता आम्ही 3-4 उपक्रम हाती घेतले आहे आणि माझ्यासोबत ग्रामपंचायत नानचे सर्व पदाधिकारी आहेत, त्यांचा फार उत्कृष्ट सहभाग याला मिळाला। याच्यामध्ये आम्ही प्लास्टिक मुक्तीचा एक कार्यक्रम हाती घेतला आहे की गावाजवळ जे आहे ते प्लास्टिक गोळा करून रिप्रोसेसिंगसाठी पाठवायचं। दुसरा एक पोषण आहार अभियान निमित्त जे मुलांच्या 1000 दिवस पूर्वी आहे त्याची काय काय काळजी घ्यायची त्यासाठी सेविका, आशा आणि ANM यांच्या वतीनं आम्ही मार्गदर्शनाचा एक कार्यक्रम घेणार आहोत। त्याशिवाय रक्तदान शिबिर मोठ्या प्रमाणावर घेण्याचा आमचा उपक्रम आहे। मला फार आनंद झाला की नानला यावर्षी एकच गणपती बसला आहे। इथले गणेशोत्सव जे करतात ते ग्रामपंचायत सदस्य पण आमच्यासोबत होते प्लास्टिक संकलनाला, त्यांच्या सहकार्याने इथे मोठा रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम पण आम्ही घेणार आहोत। त्याशिवाय समाज कल्याणचा व्यसनमुक्तीचा कार्यक्रम आहे। कोविड संबंधी जनजागृती होण्यासाठी डॉक्टरांच्या मदतीनं पण आम्ही एक आरोग्य यात्रा इथं करणार आहोत। तर गणेशोत्सवादरम्यान जे उत्सवाचं वातावरण असते त्यात लोकांचा सहभाग घेऊन हे सामाजिक उपक्रम करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे आणि त्याला ग्रामपंचायत नानचा अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे। आपल्या या बाईटच्या इथून मी बाकी सर्वांना विनंती करतो की आपण पण या सर्व उपक्रमात सहभागी व्हावं आणि हा गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक आणि समाजाभिमुख कसा होईल यासाठी प्रयत्न। थँक्यू।